फ्रेंड्स, ये हम सब जानते हैं कि सुबह सुबह दौड़ना स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी है। यह संपूर्ण स्वास्थ्य को दुरुस्त रखता है। दौड़ना एक ऐसी शारीरिक एक्टिविटी है जो शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाती है, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाती है। इसके अलावा भी कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। सुबह दौड़ने के एक्सपर्ट कहते हैं कि प्रतिदिन कम से कम हमें 30 मिनट रनिंग या जॉगिंग करनी चाहिए। कुछ लोग दौड़कर आने के बाद बहुत अधिक खा लेते हैं, तो कुछ बिना खाए ही घंटों घंटों रह जाते हैं। ये दोनों ही आदतें बहुत ही सही नहीं हैं। यदि आप देर तक दौड़ना चाहते हैं, वह भी बिना रुके हुए और बिना थके हुए, तो दौड़ने के बाद कुछ फ्रूट्स का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। दौड़ कर आने के ठीक बाद शरीर को प्रोटीन और कार्ब्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ताकि मांसपेशियों को कोई नुकसान ना हो और आप ऊर्जावान बने रहें और किसी भी तरीके की चोट लगने की संभावना भी इससे कम हो जाती है। प्रतिदिन दौड़ने से लिपिड प्रोफाइल बेहतर होता है, शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं होती है और दिल की सेहत दुरुस्त रहती है। सुबह दौड़ने से हृदय रोगों से भी बचाव हो जाता है, वजन कम करने में भी इससे हमें मदद मिलती है। हालांकि दौड़कर आने के बाद यदि आप कुछ भी नहीं खाते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपके दौड़ने की इच्छा शक्ति कम हो जाती है। इसलिए प्रतिदिन दौड़ने के लिए आपको पोषण मील लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दौड़ने के बाद कुछ भी खाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह पोषण रिकवरी प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है। किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करने से मांसपेशियों के फाइबर्स टूट जाते हैं। ऐसे में इन्हें स्वस्थ बनाए रखने के लिए पोस्ट एक्सरसाइज कार्ब्स और प्रोटीन का सेवन करना ज़रूरी हो जाता है। जब भी आप सुबह दौड़कर आएं, तो फ्रेश होकर के एक कटोरी दही और ताज़े कटे हुए फलों का सेवन करें। फलों में ब्लूबेरी, रेसबेरीज, एक कप दही और एक चम्मच शहद को मिक्स करके खाएं। इससे शरीर को ऊर्जा मिलेगी, मांसपेशियां मजबूत होंगी और दही के सेवन से हड्डियां भी स्ट्रांग बनी रहेंगी। वर्कआउट करने के बाद मसल्स टूट फूट जाती हैं और प्रोटीन इन्हें फिर से बनने में मदद करती है। आप ग्रीक योगर्ट्स का भी सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है। आप दौड़कर आने के बाद उबला हुआ अंडा खा सकते हैं, साथ ही एक अवाकाडो शकरकंद से भी शरीर की मांसपेशियां रिकवर हो जाती हैं। इन तीनों को एक कटोरी में डालकर एक साथ खाने का मज़ा लेना चाहिए। अंडे में मौजूद प्रोटीन्स मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, साथ ही अवाकाडो शकरकंद भी सेहत को कई तरीके से लाभ पहुंचाता है। दौड़कर आने के बाद आप पसीने से भीगे हुए होते हैं। वार्म अप होने के लिए आपको ओट मील खा लेना चाहिए। यह शरीर को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स प्रदान करता है। इससे हमारी खत्म हो चुकी एनर्जी को हम वापस पा सकते हैं। यदि आपके घर में कॉटेज चीज है, तो आप दौड़कर आने के बाद इसका भी सेवन कर सकते हैं। इस चीज़ में प्रोटीन और कैल्शियम अधिक होता है, साथ ही सोडियम कंटेंट भी मौजूद होता है। यह आपको दौड़कर आने के बाद रिलैक्स महसूस करा सकता है और मसल्स को भी फिट रख सकता है। आप चाहें तो दौड़कर आने के बाद भुना हुआ या बेक किया हुआ टोफू भी खा सकते हैं। इसका सूप भी आप पी सकते हैं। टोफू प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें सभी 9 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो इसे एक पूर्ण प्रोटीन बनाते हैं। साथ ही इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक भी पाया जाता है। इसके अलावा आप केले का सेवन भी कर सकते हैं, जो आसानी से पचने वाला फल माना जाता है। इसमें कार्ब्स और पोटेशियम भी होता है, जो मांसपेशियों में ऐंठन को दूर कर सकता है। साथ ही मछली, नट्स, साबुत अनाज, ब्रोकली, अनन्नास जूस, ड्राई फ्रूट्स, टमाटर, बेरीज, तरबूज, सफ़ेद चना, दूध आदि का सेवन करके भी मांसपेशियों को आराम पहुंचाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल डेली ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।